लग रहा है कि तुम और थोड़ा वो नीचे रखो ना, उना से तेरे वैसा लग रहा है। उसका सर इतने दिख ही नहीं रहा है, वो बंदा छुप रहा है। किसका चेहरा छुप रहा है? बेचारा। चल चल आगे साइड में जा, थोड़ा नीचे रखो ना, थोड़ा नीचे छोड़ इसको। चल उधर फोटो ले लो वाली। ले लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चलो, बहुत बढ़िया है। स्टूडियो एक साल से यहाँ पे है, बट कुछ ऐसे शख्सियत की तलाश थी कि जिन्हें बच्चा नहीं, बच्चे के साथ साथ यूथ भी जानता हो और बुजुर्ग लोग भी जानते हो। सिर्फ इंडस्ट्री में इकलौता ऐसे शख्स हैं मुकेश खन्ना सर, जिन्हें हर कोई जानता है। तो बहुत मुश्किल से इनका अपॉइंटमेंट मिला और इनसे मीटिंग हुई और इनको साथ में जोड़ा हमने, और इन्होंने भरोसा भी जताया। इन हम लोगों की तलाश जो थी, हमारी भी तलाश थी, और ये भी कुछ ऐसे डेडिकेटेड लोग ढूंढ रहे थे कि मुंबई में कुछ जिनके साथ कुछ किया जा सके। तो सर ने बहुत हाँ, मतलब मुश्किल से हाँ बोला सर ने। सर का बहुत बहुत आभारी हूँ सर। कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल। तो अभी के शक्तिमान एक्टिंग इंस्टीट्यूट इन एसोसिएशन विद केएच एक्टिंग स्टूडियो, इनका आज उद्घाटन हो रहा है, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ने टाइम निकाल के यहाँ पे आने का कष्ट किया। आप बोलेंगे? इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, जो केएच एक्टिंग मतलब केएच एंटरटेनमेंट जो है, उनके ऑनर ये मैनेजिंग डायरेक्टर आर्यन, और ये मार्केटिंग देखते हैं और मैं मार्केटिंग देखता हूँ, और ये जो है एसोसिएट पार्टनर है, और ये डांस कोरियोग्राफर है। तो ये टीम हमारी है, और आजकल सब डांस ही करते रहते हैं। टीवी ने इतना बिगाड़ दिया है कि बच्चा लगता है माँ के पेट से ही सीख के आता है डांस। तो आप लोगों के सवाल शुरू कीजिए, अपने सवाल जो है आपके। सवाल के पहले मैं कुछ बोलूं कि आप सिर्फ, क्योंकि आपके सवाल जो होते हैं ना वो तीर होते हैं, तो सुनना चाहते हैं। तो मैं वो तीर बाद में चलाइए। जैसे कि इन्होंने कहा कि तलाश, मैं कह सकता हूं कि आज इन अ वे मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक्टिंग सिखाना, ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ इसलिए मैं एक्टिंग सिखाऊँ, इसलिए कि कहीं ना कहीं एक्टिंग सीखना आजकल ज़रूरी हो गया है। वो ज़माना गया जब दिलीप साहब, राज कपूर और ये सब जितने भी देवानंद साहब, वो कभी किसी स्कूल से नहीं निकले, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट करते करते, नया करते करते सीख के वो बनते अनुभवी। आज के युग में मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से, मैंने भी 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया रोशन तलेजा साहब के साथ, तो मेरा ये मानना था कि आज का प्रोड्यूसर जो है वो, उसके पास वक्त नहीं है। आज कई बार मुझसे लोग बोलते हैं, सर आप नेपोटिज्म के बारे में क्या बोलेंगे कि ये गॉडफादर होते हैं कि नहीं होते। मैंने कहा यार देखो, कुछ नहीं होता, कोई किसी का माई बाप नहीं है। हीरो का भी लड़का होता है तो तब तक चलता है जब तक वो चलता है, उसके बाद हीरो भी कुछ नहीं कर सकता। सो नेपोटिज्म तो ठीक है, आपको पहला चांस मिल जाता है, भाई भतीजा ने दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली काम बोलता है। और मैंने कई बार देखा है कि प्रोड्यूस, हालांकि अभी तो रील नहीं है, उस जमाने में तो रील चलती थी, प्रोड्यूसर का ब्लड प्रेशर है होता था, टेक जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तो कभी कभी एक टेक में गलती, 2 टेक 3 टेक। और हमारे सुभाष भाई साहब तो यूसुफ भाई के साथ भी बोलते एक्सलेंट वन मोर, एक्सलेंट वन मोर, वो 29 टेक दे लेते। पर जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रगलर्स, जब स्ट्रगलर्स आता है ऑडिशन देने के लिए, या समझ लीजिए कि उनको सेलेक्ट कर दिया, तो शूटिंग शुरू होती है, कैमरे के सामने प्रोड्यूसर तो बैठा रहता है, और फिर लड़का अगर थोड़ा सा नर्वस, जो अक्सर हो जाते हैं, उन्होंने 1 टेक किया 2 टेक किया 3 टेक किया, तो प्रोड्यूसर पूछता है किसको पकड़ कर लेकर आया यार, तो बोलेगा सर वो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम मत लाना इसको फिर, तो यू नो वो पता कट जाता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल कैमरे के सामने, बड़े बड़ों की तलवारें हिल जाती हैं। कोई आदमी जोक मारता है जिंदगी में, इतना जोक मारता है, डांस करता है, ये करता है, उसको बोलेंगे यार अच्छा जोक था, एक है यार ये मेरे कैमरे में बोलो ना, उसको चाहिए। तो अब वो जैसे उसके बाद अपने कैमरा सामने आ गया, तो उसकी वो बोलता हाँ 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 देते देते, और वो फिर उसके बाद में वो उतना नेचुरल नहीं रहता जितना वो नेचुरल पहले था। कैमरा चलने का जो एक खौफ है, जो एक ज़माने में स्टेज भी था कि स्टेज फ्राइट कहते थे कि पब्लिक मिशन, कैमरे की फ्राइट हमारे ज़माने में से भी पहले जब वो मिशन कैमरा चलता था तो उसकी आवाज़ आती थी, आजकल तो साउंड नहीं है, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो मुझे एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट करनी थी, मैंने मेरे एक दिमाग में कंसेप्ट आया था कि मैं पूरे देश भर के अपने अपने टाउन में एक एक क्लास खोलूँ, शक्तिमान इंस्टीट्यूट फॉर फिल्म एंड टेलीविजन,
मैंने पहले मैंने कहा कि ताकि बच्चे अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच अपने ही दोस्तों के साथ में रहकर 3 महीने का कोर्स करके फिर बम्बई आ रहे तो उनके दिमाग में एक जो एक खौफ था वो हट जाता है और लोग आते हैं। तो मैंने पहला जयपुर में खोला, फिर दूसरा मैंने आगरा में खोली, तीसरी मैंने पटना में खोली और अभी बात चल रही है जयपुर की, फिर से चल रही है जयपुर में पहले खोला था। मेरा ये मानना था कि आप अपने ही गांव में पढ़िए, हम कुआं प्यासे के पास लेकर आया तो वो कंसेप्ट सबको पसंद आया। लेकिन अल्टीमेटली कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप बम्बई में क्यों नहीं खोल रहे, बम्बई बड़ी चीज़ है, या एक नहीं मैं समझता हूँ कितने डजन्स के ऊपर, मैं समझता हूँ इसी लेन में ही कम से कम हमारे रोशन तनया साहब भी हैं जिनको मैंने पहले जयपुर क्लास में जो मैंने खोली थी सर को कहा था सर आप मेरे वहाँ सिखाने जाएंगे, मान गए थे और उन्होंने अपनी अपनी फैकल्टी भेजी थी और खुद भी एक बार मेरे साथ आए थे। तो इस लाइन में आपको एक्टिंग क्लासेस मिलेंगी, इवन गणेश आचार्य का मेरे ख्याल से वो भी आगे है। सो मैंने कहा यार बम्बई तब करूँगा जब मेरे में मुझे प्रॉपर ग्राउंड लेवल मिल जाएगा। तो मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि यहाँ पर रोशन जी भी हैं, नमित कपूर भी है, अनुपम खेर भी है, जिसको देखो अपने क्लासेस खोल के बैठा। अगर मुकेश खन्ना आता है तो फिर वो लोग ऐसा बोलते अच्छा दिखाइए मुकेश खन्ना क्या करते हैं। सो आई वॉज नॉट कॉन्शियस, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, मैं ज़िंदगी में मैंने शायद लोग मुझे कहते हैं सर आप जैसा एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है, मैंने कहा मैं हूँ लेकिन मैं मांगता नहीं काम किसी से। तो मैंने सोचा बम्बई में तब खुलूँगा जब मुझे कोई प्रॉपर जगह मिलेगी और प्रॉपर आदमी मिलेंगे। अब प्रॉपर जगह तो एब्सोल्युटली प्रॉपर मिल गई, इसको मंडी हाउस ही कहते हैं, तो जगह तो मिल गई। ये लोग भी मुझे मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा सर हम खोलना चाहते हैं, मैंने कहा आपको कॉन्फिडेंस है, बोला हाँ हम ऑलरेडी डांस स्टार्ट कर चुके हैं, डांस क्लासेस सिखाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ी मुश्किलें पैदा की, मैं हमेशा मुश्किलें पैदा करता हूँ कि ताकि आप क्लियर हो जाएँ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि ये लोग में जोश भी है, करना चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन इन मुंबई। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, क्योंकि मुझे याद है रोशन साहब भी जब जयपुर पहुंचे थे तो जैसे ही उन्होंने, मैंने कहा सर एक ऑडिशन के लिए आ जाइए एक दिन, तो वो सुबह सुबह 10:30 मैंने कहा दोपहर तक रहिए, 10:30 वो आए, मैं भी आ गया तो गार्डन था पूरा उनका स्कूल का इतना, और वो जब खिड़की से देखा तो 800,000 लोग वहाँ पर ऑडिशन के लिए आ गए थे माँ बाप के साथ, ये वो। तो सर बोलते ये तो हुजूम है, मैंने कहा हाँ सर शक्तिमान के नाम पे बच्चे भाग के आते हैं शक्तिमान है तो फिर वो उनको लगता है कि हमको भी उड़ना सिखाएगा, हमको भी बहुत कुछ सिखाएगा। आज भी मेरे पास अभी भी मेरी वैन में शक्तिमान की फोटो लगी रहती है, तो जितने भी रास्ते में मिलते हैं, तो एक अभी मोटर बाइक में जा रहा था, वो मोटर बाइक भी चला रहा है और मुझे बोलता है मैंने कहा हाँ हाँ, फिर वापस पीछे हो गया, फिर आगे आ बना, फिर बोलता मैंने कहा ओके ओके ओके। सो यू नो शक्तिमान इज अ ब्रांड, इसलिए मैंने इनको कहा था कि मैंने कहा देखिए एक तो आप उसका मान सम्मान रखिएगा, ये नहीं है कि इसके नाम पे आप डिस्को चला रहे, इसके नाम पे हर चीज़ नहीं होगी। सो आई एम हैप्पी दैट ये आर्यन है और ये हमारे राहुल हैं और ये पूरी टीम है, तो आई थिंक साल के ख़त्म होने के पहले पहले ही शुरू कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि हमने 2020 संवारा है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु वांट्स टू जॉइन इन। सर इसकी बात करें ये फ्रेंचाइज है कि आप टाइम देंगे इसके लिए, क्योंकि खाली आर्टिस्ट का नाम दिया जाता है, किसी भी एकेडमी के लिए आर्टिस्ट का बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं, ये खुद आप पूछ। सर देखिए मैं ऐसी बात नहीं कोई नई बात बोलूंगा, क्योंकि मैं तीन जगह पे चला चुका हूँ और वहाँ भी मेरा जाना इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं आगरा जाऊं ये जाऊं, बट मेरी एक कमिटमेंट रहती है, मैं एक ऑडिशन लेता हूं जाके बिगिनिंग में, उसके बाद में मेरी एक वॉइस एक्सरसाइज रहती है, वॉइस क्लासेस मैं लेता हूं एक बैच में एक बार लेता हूं और इनको सर्टिफिकेट्स देने के लिए मैं जाता हूं। सो ये तो एक बंधा बंधाया है, बट ये नहीं है कि, और ये तो फिर मेरे रीच में है, मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में हूँ, ये लोग यहाँ है, तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे दूर से दिखेगा नहीं कि क्या कर रहे हैं लोग, तो आई एम विद देम। मैं क्लासेस नहीं लूँगा, मतलब मैं क्लास टीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ जिसके पास अनुभव है, मैं लड़कों को बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको आप कैसे एक्टर बन सकते हैं आप। मैं 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने आज तक बियर नहीं चखी है, आज तक मैंने सिगरेट नहीं पी है, सच की बात है।
तो वो मैं चाहूंगा कि जो स्ट्रगलर्स होते हैं पार्टियों में जाइए। आपने कहा कभी काफी लोग सर, जब मैं भी इंडस्ट्री में आया था तो मैं कंपटीशन सोच के नहीं आया था। इनफैक्ट मैंने तो सुभाष गई जी को जब उन्होंने कास्ट करने के लिए बुलाया मुझे सौदागर में, तो मैं दाढ़ी वाड़ी में भीष्म की गेटअप में गया था, बिकॉज वॉर सीन चल रहे थे। मैं ऊपर एक कैप पहन के दाढ़ी वाड़ी के साथ जीन्स वीन्स पहन के गया था। तो वहाँ मेरे कोई लड़का नहीं कहेगा नया लड़का, जो मैंने कहा सुभाष जी ने बुलाया तो लेट जाएंगे ऐसे दंडवत प्रणाम करके, अरे सर हाँ करना है सुभाष जी के साथ। मेरे मुंह से एक बात निकली, मैंने कहा सर यूसुफ भाई है आपके पास, राजकुमार हैं आपके पास, मुकेश खन्ना क्या करेगा, रोल हो तो दीजिए। सो आई बिलीव इन माय कैपेबिलिटी, आई बिलीव कि मुझे आप जो रोल दे रहे हो मैं कर सकना चाहिए पहली बात, मेरे करने लायक होना चाहिए पहली बात। मैं हर रोल नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता, मैं विलन नहीं बनता, मैं रोमांटिक सीन्स नहीं करता, मेरे बहुत किंतु परंतु है। तो यहाँ अगर आप बोलो कि मैं कॉम्पिटिशन से डरता हूँ तो कोई कॉम्पिटिशन ये मैं हम अगर ये लोग भी मेहनत अगर साथ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स बहुत हैं। मतलब हमारे ज़माने में तो 20 लड़के लड़कियाँ होती थी जो फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैं सेकंड अटेम्प्ट में मुझे एडमिशन मिली थी रोशन करके, मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में लॉ कर रहा था, स्टेज कर रहा था, पहले साल मुझे फेल कर दिया मिठुन की बैच में, और फिर मैंने अप्लाई किया तो मिला। तो उसमें इंडिया के 10 लड़के 10 लड़कियाँ बेस्ट ऑफ द लॉ, 3 दिन का ऑडिशन होता और चूज़ किया। आज ऐसा नहीं, आज अगर आप फीस दे सकते हैं, आपको अगर एक्टर बनना है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू बिकम एक्टर, तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट नहीं आएंगे, सिर्फ ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या देंगे उसको। Subhas Ghai sahab started Whistlingwood, then there are other institutes also, you know, when we talk about Whistlingwood, there are lakhs of rupees, you know, students are spending to be 12 lakh, I understand. Haan, ji. Aur kya alag hoga jab main aapke institute ki baat karta hu, kyunki sir Subhas Ghai ke samne, Subhas Ghai ke samne hamari school jo hogi garibon ki school hogi. Nahi, main mera sawal hai, 12 lakh charge nahi karta. Nahi sir, mere sawal suni ke वो जब हम हिंदुस्तान की बात कर लें, जब हम मुंबई की बात करते हैं, जब हम पूरी जगत की बात करते हैं, आधे से ज्यादा जो ट्रेनें मुंबई शहर में आती हैं वो हर दूसरे शख्स को एक्टर बनना होता है, और नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लोग आते हैं जो इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए क्या खास होगा शक्तिमान इंस्टीट्यूट की अगर नहीं। मैं देखिए हर मैं क्यों लेकर गया जयपुर में, मैं क्यों ले गया पटना में, इसीलिए कि आप लोग आते हो, एक तो आपको बम्बई नहीं मालूम होता, बड़े डरे डरे से सहमे सहमे से आते हैं, 2-3 साथ में दोस्त आते हैं, तो एक तो बम्बई में पहले एडजस्ट होना, फिर आपने कहीं पर स्कूल देख लेना, फिर एडमिशन लेना, फिर जगह का प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुएं को प्यासों के पास लेकर गया कि चलो आप ही के शहर में हम स्टार्ट करते हैं। सो वन हैज़ टू डिसाइड अबाउट द प्रायोरिटी लाइन, अगर वो प्रायोरिटी लाइन बनाओगे तो 40 साल मुकेश खन्ना ने सिगरेट नहीं पी, बियर नहीं पिया, आप भी बन सकते हो, और वो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पर काम नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन, माँ बाप से झगड़ा करके आए हो। सो आई थिंक द इंडस्ट्री, इसमें इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट से निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, इसमें सिस्टम में आप किस प्रायोरिटी में घुस गए कि हुक एंड क्रूक मुझे एक काम चाहिए, वो मत करिए मुझे, मैं हाथ नहीं फैलाता आज तक, मैं सब नहीं कर सकता, आपको चाहिए तो चाहिए कैसे भी चाहिए, साम दाम दंड पे तुम मर जाओगे, आप फंस जाओगे, आप बोलो मुझे पसंद है मैं करूंगा, नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, वो वेट करना आना चाहिए। जिस दिन आपको वेट करना आएगा, जिस दिन आपको अकेला रहना आ जाएगा, अक्षय कुमार ने एक बार कहा था अगर एक दिन मेरी शूटिंग नहीं होती मैं पागल हो जाऊं, डेंजरस थे हर इंसान को, मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ अकेला रहना सीखिए। सौगंध में पहली फिल्म मेरे साथ का, 7-6 फिल्में की मैंने, बट उस आदमी को ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट मैन इन द इंडस्ट्री, सुबह उठ जाता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छा करता है, बट ये बात कि मेरी शूटिंग नहीं हो तो मैं पागल हो जाता हूँ, ये एक खतरनाक एटीट्यूड है। हमको राजेश खन्ना से लेके कितने बड़े सुपरस्टार रात को बैठ के महफिल जमती है, तुसी ग्रेटो पापे ड्रिंक मारा उसने बोला पियो, जिस दिन आप स्टारडम नहीं होगा कोई पीने को नहीं आएगा, आप उस वक्त ढूंढोगे कोई मेरे पास बैठा क्यों नहीं है, फ्रस्ट्रेशन विल कम, सो यू मेडिटेट 2-2 घंटे 1-1 घंटे 15 मिनट भी आधा घंटा रोज अकेला बैठना सीखो, अपने आप से बात करो, जो आदमी अपने आप से बात करेगा वो फिर शायद कभी सुसाइड नहीं करेगा।
वो शायद फिर कुछ गलत काम बट इट्स इट्स समथिंग विच आध्यात्मिक लेवल पे सोचने की बात है. ओके और सर मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं. मुझे किसी ने एक बार कहा था सर आप जैसा एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है. मैंने भी सोचना शुरू किया आप बात तो मैं फिल्मों का प्रोडक्ट हूँ. मेरी महाभारत के पहले 15 फिल्मों में मैं हीरो था. रूही वक्त के शहजादे कैप्टन बैरी दर्द दिल. मैं काम नहीं मांगता. मैं सुभाष गई ने भी मुझे बुलाया है. अनिल शर्मा ने भी मुझे बुलाया. गलती से अनिल शर्मा ने के मुंह से निकल गई थी जब मैं पहली बार मिलने को गया ऊपर महाभारत में तहलका के लिए. तो उसने कहा मेरे को पुनीत ने यार पितामा मैं ऊपर जा रहा हूँ फिल्म सिटी में अनिल शर्मा ने बुलाया. मैंने कहा यार मेरे को भी एक फ़ोन तो आया था चल चलता हूँ. पैकेज ऊपर गए पैकअप करके. अब अनिल शर्मा वो माता जी सतीश जूरी ऊपर आ रहे हैं सब चल के और सडनली अनिल शर्मा अपने स्टाइल से धर्म जी भी थे उसमें तो ये गए तो पुनीत गया और मैं भी पास खड़ा. तो अनिल शर्मा ने मेरे को देखा तो मैंने कहा हेलो अनिल जी. बोला हाँ आपका भी फ़ोन आया था. मैंने कहा ओके सर मैंने आपको फ़ोन नहीं किया. अब ये बात कोई नहीं बोल सकता. मैंने फोन किया था. अब उनको वो क्रेडिट दिया था कि आपने मुझसे काम मांगा. ये चीज़ मैं नहीं करता इसीलिए मैं फिल्मों में नहीं हूँ. मैं पार्टियों में नहीं जाता. मैं शाहरुख खान के ग्रुप में नहीं हूँ. आमिर खान के ग्रुप में नहीं हूँ. मैं सलमान खान के ग्रुप में नहीं हूँ. मैं सिर्फ बैठा हूँ अपनी ऑफिस वो भी खोलकर ठाकुर कॉम्प्लेक्स जो मंडी हाउस में है. जिसको आना है वो आएगा. मेरी फिल्म महाभारत चली तो लोग पूछे कहाँ थे आप इतने सालों. मैंने कहा मैं इधर ही था. यहाँ सक्सेस चाहिए. प्रोजेक्ट अगर आप पूछोगे तो चंद प्रोड्यूसर मेरे पास आ जाते हैं. मैं कहता हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ बताइए मुझे क्यों चाहिए आपको. मुकेश कहता है कि सर आप हमारे सर पर हाथ रखिए आशीर्वाद. अरे बाबा तेरे सर पे हाथ रखूँगा मेरे सर पे कौन हाथ रखेगा. मैं समझाता हूँ उनको लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोग कन्विंस करके कराते. जैसे मैंने एक फिल्म की जिसका नाम है कॉमेडी का तड़का. उसका टाइटल अभी चेंज हुआ है तीन सयाने. कल ही मैंने डबिंग खत्म की. वो एक फिल्म मेरी आएगी. शक्तिमान फिर से आ रहा है. शक्तिमान मांग के लोगों ने मुझे तो शक्तिमान का 3D एनिमेशन तो शुरू हुआ पर शक्तिमान लाइव कली मतलब चल तो रहा है 3 सालों से. चार लोग मेरे पीछे पड़े. नेटफ्लिक्स में जाऊं कि इधर जाऊं. कल एक ऑफर आया है 3 फिल्में ट्रिलॉजी शक्तिमान की बनाते हैं एक बड़ा चैनल. मैंने कहा करके देखो. सो मेरा हक पहला था. क्रिश और रावण का हक नहीं था जितना मेरा था. पर मेरे पास 150 करोड़ नहीं थे. उनके पास 150 करोड़ थे जो उन्होंने संडे तक कमा लिए. बाद में कोई नहीं पूछता है. शक्तिमान आज 27 सालों के बाद भी 20 सालों के बाद में भी उतना ही बड़ा आइकॉन है जितना वो नहीं. तो कुछ फिल्में आ रही हैं. सीरियल में मैंने राजश्री का कल काम किया है जिसमें मैंने दादी अम्मा मान जाओ करके एक सीरियल है वो एक सीजन लेकर आ रहे हैं. राजश्री वेरी गुड प्रोडक्शन. मैंने उनके लिए प्यार का दर्द मीठा मीठा किया था. 2.5 साल काम किया. उन्होंने मुझे आके सर आपको सेलिब्रिटी चाहिए यू एज मुकेश कुमार मतलब यू एज ए एक्टर. तो उसमें उनका एक सीन था. तो ये कुछ चंद चीज़ें आ रही हैं बट आएंगी. जिसको मुकेश खन्ना की ज़रूरत है वो आएगा. मैं वेट करता रहता हूँ. प्रॉब्लम यही मैं जाता नहीं हूँ पूछने के लिए. आई नेवर सेड आई लव टू वर्क विद यू. मैंने आज तक किसी को ये मेरी गलती है. आपके दोनों सीरियल शक्तिमान और सामने देखिए सर आपके सर आपके लेफ्ट पे सेंटर लोग सर सब लोग शक्तिमान के तरफ ऊपर कर दो. शक्तिमान सब उड़ जाएंगे आप.